आज बेटी जी की प्रेगनेंसी का हमने आपको फाइनल अपडेट देना है। अपडेट अच्छा तो नहीं है पर बुरा भी नहीं है, मैं कहूंगा बल्कि थोड़ा फनी है। लेकिन जो पहली अपडेट हम आपको देने वाले हैं वो बिल्कुल भी फनी नहीं है। इस बैल के साथ जो हुआ वो किया भी उसके पालने वाले ने ही। किसी ने उबलता ऑयल डाला है, इसके कानों तक में भी ऑयल डाल दिया, सारा इसकी जो स्किन है ये ऐसी हो गई है, पेन में बहुत है। इसके लंप्स हैं गए, ये जो छोटे छोटे हैं गया, ये रिब्स दिख रहे हैं। मैं भी वही तो देख के थोड़ा सा टेंशन में आ जा रही हूं ना, ज्वाली में है ना सर। तो वहाँ पे खुले में भी घर में रखने को तैयार नहीं है, रखने को कोई तैयार नहीं है। थोड़ी सी स्मेल भी आ रही है तो लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं उस चीज के लिए। पेड़ के नीचे बांधी थी, बारिश हो जाए तो फिर इसका जख्म और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको अंदर मत लेके जाओ, इसको नए अस्पताल देखो, ये देखो सर। इसको हाँ भी यही सोच के कहा था क्योंकि दीपाला ने कहा था कि भाई मैं रख लूंगी, तो हमने कहा हम बाकियों को ठीक कर दें, वापस सड़क पे जाते हैं, इसको घर मिल रहा है तो इसको ले आओ। अब होता क्या है, जिन गाय बैलों का यहाँ पे इलाज चलता है जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम उनको वहीं छोड़ के आते हैं जहाँ पे उनको पहले चोट लगी होती है, तो जाहिर सी बात है इस बारे में हम खुश तो नहीं होते। लेकिन ये जो बैल है ये ठीक होने के बाद दीपाला इसको अडॉप्ट कर लेंगी, तो इस बैल का और एक और बैल का हमारे नए अंडर कंस्ट्रक्शन अस्पताल में इलाज चल रहा है, लोग शांति पाठ कराते हैं, हमने श्री गणेश रेस्क्यू से किया है, वो फुटेज हम आपको अगले बार दिखाएंगे। और अगले अपडेट में जो हम 8 पपीज के अपडेट आपको देने वाले हैं उनके बारे में भी हम आपको एक गुड न्यूज देंगे। बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ किधर है वो नहीं मालूम है ना, उसकी भी माँ आएगी तो आप मुझे कॉल तो करना है, जल्दी लेके आ, बारिश हो रही है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सुंदर बच्चे, सुंदर तो है सारे, मैं सोच रही हूँ आप कहाँ छोड़ेंगे बच्चों। अगर बाहर छोड़ा इधर से नहीं तो उधर कहीं भी ले जाके छोड़ देंगे लोगों को, और ये तो बेचारे बुरे हाल है इनके। मदर डॉग को ओटी में मतलब ये स्कैनर में रख के एक स्कैनर में, बाप रे सूझ गया क्या? कौन हमला किया था घर को देख के? मम्मी खाना नहीं देती थी कि मम्मी कोई खाना नहीं मिलता था। फ्रीटाउन स्ट्रीट में गरम में डॉक्टर गुलशन 2-3 दिन से केस देख रहे थे, मदर डॉग है जिसको टिक फीवर है, जहाँ पर वो डॉग थी वहाँ उसके बच्चे भी थे ना। जब आज हमें अचानक कॉल आई 8 बच्चे हैं, उनकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, माँ मर गई है, ओपन एरिया में है बच्चे, हम लोग देखने आए, फिर सर को अचानक याद आया कि आइए तो बच्चे देखे हुए शायद धड़म वाले केस के लोग हैं। और अगर यही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले होती है इन्होंने, वहाँ तो कोई शेड भी नहीं है, बह जाना तो पानी नहीं। 10 का 2, 10 का 2, अगर मदर मिल जाती है तो हम टिक फीवर के ट्रीटमेंट तक इन लोगों को साथ रख सकते हैं और फिर वापस एक साल यूज कर देंगे। फूल का सींग टूटा हुआ है, सुधांशु जो हमारा स्टाफ में है उसको बैल देना, तो हमने उसको वहीं रुकवा दिया कि तू रुक बैल पे नजर रख। कहाँ है? वो है। दिखा ब्लैक वाला, जिसके सींग। वो इसमें रस्सा डाल दो चुपचाप ही। डालो ना। रोड पे है आराम से। डाल सकते रस्सी में। पूरा एक्सेप्ट कर दिया ये, पूरा एक्सेप्ट। एक बार डांटकन दबा दी थी उसको पर वो फिर नहीं आया हाथ में ना, और ट्रैफिक भी है ना रोड पे तो, और बारिश भी लग गई यहाँ पे ना, ये नहीं पकड़ा जाएगा। चलो बैठो बैठो। अब राम जी ने चाहा तो ये बैल हमें फिर दिखेगा और हम इसको फिर पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब हुआ क्या उस दिन, ना तो हमारे पास साहिल था, ना रविंदर था, ना ही नवीन अवेलेबल था, तो हमारी डॉग कैचिंग टीम बैल पकड़ने
गई थी। तो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। लेकिन हम अपने रिसोर्सेज को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं अगर हमारे पास एक और एडमिन पर्सन हो। तो अगर आपकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी है, एडमिन स्किल्स है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी है तो प्लीज अप्लाई। हम अभी सारे इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं इस केनल में, उन सबका ही चेकअप करने वाले हैं। हाँ, ये बीकू मात्र है, वो कांगड़ा वाला, मैंने इसको अभी यहीं पे शिफ्ट कराया ना। सारे सस्पेक्टेड वाले ना हमारे, ये कैनल ही पूरा हो जाएगा ना आइसोलेशन वाला। हमने पेशेंट इंटेक फॉर्म ले लिया, कैनाइन डिस्टेंपर किट ले ली। सर तो हम ये जो भी अगर नहीं रहा सस्पेक्टेड या जो भी, जैसे मिर्ची है, उसका डायरिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको हम लोग फिर कहीं और फॉस्टर करवाना पड़ेगा ना। तो मैं फिर कॉल करना शुरू करूँ ना अगर कोई फॉस्टरिंग के लिए रेडी है। Like me so, color में my skin pale pinkish. Hydration status not good. Deformity तो नहीं है लेकिन पेन की वजह से लेटने से। तो आना ही बोलते हैं पर। हाँ आ रहा है। अंडर उस वाले कैनल की तो अच्छे से डीप क्लीन होनी चाहिए, अच्छे से। उस वाले कैनल की नहीं, वो पूरे पाथ की डीप क्लीनिंग करवानी पड़ेगी मेरे को, पूरा एरिया, पूरा नाली। ठीक है फिर, अभी नेक्स्ट स्टॉप करते हैं ना फिर, इसका तो हो गया गिनती ना। बाहर वो आउट पेशेंट करें, आधा घंटे से वेट करना। पहले ही मैंने रुकवा दिया था, मैंने उनको बोला हमारे यहाँ अभी इन्फेक्शन का ब्रेकआउट हुआ है, सर चेक कर रहे हैं, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, सैनिटाइज करेंगे फिर आएंगे बाहर। यही बात हुई थी मेरी। ये आपका ये लंबी स्किन इनको? नहीं सर, डॉग्स का। एक्चुअली हम लोग वही सुबह से दोनों डॉक्टर्स पूरा चेकअप कर रहे हैं और सबके सी डी टेस्ट हुए हैं ना। डिसेंबर ये है एक एम्परेशन वाले चेकपोर्ट को और एक बिग मार्केट। अभी उनको आइसोलेट भी कहाँ करना? ये जो घर खाली है वहाँ पे तीनों डॉग्स को रख देते हैं। दो घर हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है जब तक है आपके। डिसम्बर ये पारवा जितना थोड़ा तेज फैलता है, राइट? डॉग्स में तो फैलते हैं एक दूसरे से, हमें हमसे भी फैलेगा। आप कह रहे हो कैरियर आप हो, तो अगर हम अलग कमरे में रख भी देंगे तो कैरियर तो आप ही हो। अगले दिन फिर हम जैसे शूज वगैरह बदल के आए रूम के बाहर नीचे, तो बात करके जाए और हाथ वगैरह तो रोज ही धोते हैं, ऐसी एक ट्रे रख देते हैं ना। तो मिर्ची को छुड़वा रहे हैं हम, क्योंकि उसकी सर्जरी कल ही हुई है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट सर्जरी हुई है। हां कि ऐसा ना उसको सीडी हो जाए। यस, ये शेल्फ में जम गया शोपीस। तभी वॉक कर पा रहे हैं पूरा? चल के दिखा दो, चल मैं क्या बताऊंगी। इसके नर्व मतलब बैकबोन पे स्पाइन जो होता है वहाँ पे शायद क्रैक हुआ था, जिसकी वजह से ये पीछे के पैर काम नहीं कर रहे थे। जो स्पाइन डैमेज था उसकी भी ट्रीटमेंट अच्छे से हो गई, कि सप्लीमेंट्स के साथ और प्रॉपर केज रेस्ट के साथ वो हील कर गया, और हमने इसकी न्यूटर सर्जरी भी कर दी। तो हम लोग इसको वापस वहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर इसके जो केयर टेकर है हॉस्पिटल में वो इसका ध्यान रख लेंगी। अब हम आपको मिलवाते हैं मार्बल और कंचा से, और अगर आप इनसे पहले मिले हैं तो अब आप इनको नहीं पहचान पाएंगे। निकलो निकलो बाहर निकलो। दोनों की रिकवरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। हमने इनकी ट्रीटमेंट में डोरामैक्टिन यूज़ किया था, मेडिकेटेड बात सबसे ज़्यादा हुई है इनकी, और साथ में मल्टीविटामिन सिरप्स दिए गए हैं ताकि इनका जो इम्यून डाउन है वो रिकवर कर जाए, और इसी वजह से इनकी रिकवरी एक महीने में कंप्लीट हो गई थी। मार्बल की स्पेस सर्जरी भी हो गई है अब, और अब हम कंचा को अडॉप्शन में रखने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर ये जल्दी होता है। और कंचा एकदम रेयर पीस है बिकॉज ये मार्बल का आखिरी बच्चा है। अब समय आने पे भी, क्योंकि बेटी जी की डिलीवरी नहीं हो रही थी, तो हम इसको पालमपुर एक्सरे के लिए ले गए, जहाँ पे पता लगा कि एक समय पे ये बेशक प्रेग्नेंट थी पर किसी टाइम पे इसका फीटस अबॉर्ट हो गया। हमें ये इसलिए नहीं पता लगा क्योंकि इसको प्रेग्नेंट समझ हम तो इसको एक्स्ट्रा फीडिंग दे रहे थे और ये मोटी होती चली जा रही थी। तो इस बार तो भगवान ने हमें बचा लिया क्योंकि हमारी गलती की वजह से बेटी जी प्रेग्नेंट हुई थी, पर अगली बार ऐसा ना हो तो राजा को हम मॉनसून खत्म होते ही स्टरलाइज कर देंगे। चुन्नू, स्पेस सर्जरी थी आज। हाँ बच्चे, इसका अडॉप्शन फरीदाबाद में हुआ है, और जहाँ पे वो जा रही है वहाँ पे उनके पास ऑलरेडी एक मेल डॉग है, और चुनमुन के साथ साथ डाकू भी जा रहा है, इसके लिए सेफ रहेगा कि ये स्पे होके ही जाए। बस हमारी अडॉप्शन फिर
रफ्तार पकड़ रही हैं। हमार को हमारे एरिया के बाहर से भी बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, तो अगर आप दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल या मुंबई के बाहर हैं और डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी HHA ग्रुप पे अडॉप्शन के लिए अपील करिए। आज सुबह तक उसने खाना खाया पूरा, जिससे हम कुछ ऐसे बता सके कि हाँ ये था। लेकिन हाँ, उसके पास दो बार ऐसा हुआ है कि उसके साथ रहने वाले दोनों पपीज पार्वो और सीड इन्फेक्टेड निकले ना। तो ऐसा होता है कि बिना सिम्टम के भी शो होने से पहले ही हो जाए वायरस? कार्डियक अरेस्ट हार्ट पे होता ही है, श्योर है। पपीज में तो हार्ट पे डेफिनेटली होता है। एक बार देख लेते हैं। राज, दोनों प्ले पेन इकट्ठे करो और फोल्ड करके ना वॉशिंग एरिया में रखो। ये पपी बहुत सारे चीजों से दूर से निकली है, पारो, सीडी, फिर पारो। हेल्थ तो कितनी अच्छी हो गई थी उसको। जबरीली का कार्डियक अरेस्ट ही हुआ था। हमने कंफर्मेशन के लिए पोस्टमार्टम करने का भी डिसाइड किया था, लेकिन फिर डॉक्टर से बात हुई, फिर हमको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि अगर पोस्टमार्टम करते तो ये इन्फेक्शन फैल सकता था। उसकी वजह से हमारे बाकी जो हेल्दी डॉग्स हैं, हेल्दी तो क्या, जिनकी ट्रीटमेंट अभी इम्प्रूवमेंट चल रही है, उनकी भी जान पर खतरा आ सकता था, हमने कैंसिल कर दिया। थे ना कीड़े, वो मारने के लिए मैंने इसको दवाई लगाई तो इसने चाट ली, वो तो उसकी वजह से इसके मुँह में से झाग दी। किसी ने बताया वो अलग लगवानी है आपने, वो मिल जाती है, हमारे पास भी मिल जाती है, बाजार में मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी गाय वाली दवाई कुत्तों में यूज नहीं करनी, कुत्तों में कुत्तों वाली ही होगी। ऐसे नहीं हिलते नहीं है, देखो नो गुड बॉय होता है। अच्छा गुड बॉय है ना, तुझे आपको थोड़ा खारिश करते रहो ना, इसको तो पता नहीं लगेगा इंजेक्शन के द्वारा। सबसे पहले जाके अपने घर जाके इसको उल्टी करानी है। अभी सिम्टम अभी आए नहीं है इसमें, सिर्फ मुँह से झाग है वो तो निकलना चाहिए। अभी इसको नमक वाला पानी पिला देना, खूब नमक वाला पानी पिला दे, कम पानी में ज़्यादा नमक घोलना, ठीक है वो पिलाना, ठीक है। सिर्फ ब्रेड जला के ना वो खिलानी है, ताकि जो भी है जो बचा है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब ना हो। स्टेबल कंडीशन अभी इतनी नहीं है खराब, तो सुबह तो कुछ और होता है, तो फिर सुबह ले आना एक बार। चल ये हमारी वो जगह है जहाँ पे हम डिसेबल लार्ज एनिमल्स के लिए एक सेंचुरी बना रहे हैं। 350 पिलर लग चुके हैं, बस थोड़ी सी तार लगनी बाकी है, फिर हमारे घोड़े, खच्चर, गाय यहाँ पे आना शुरू कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारे पास कुछ बांस भी है जिससे हम 24 फुट लंबा एक शेड बना रहे हैं, लेकिन चतुर सेन यहाँ पे नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। गिर जाता है फिर इससे थोड़ा उठा नहीं जाता खुद से ना, तो उसको भी जख्म हो जाता है। तो वूड हुए ना काफ़ी ज़्यादा, पास सारी इसमें थे ना, स्कैब बना था तो स्कैब निकल गया अब ऊपर का, उस वजह से वूड हो गए इसका सारे ना। हम इसको थोड़ा एंटीबायोटिक पे रख रहे हैं अभी, ताकि थोड़ा जख्म सूखने में हेल्प मिले और जो अंदर से डिस्चार्ज आ रहा है वो भी खत्म हो जाए। जिस तरह से हमारे पास बिल्लियाँ आ रही है ना, मुझे तो लगता है हमें बिल्लियों के लिए भी एक अलग सेंचुरी बनानी पड़ेगी। मेरी तरफ मत देखो, नहीं जब तक मेरे पास और फुल पावर लोग नहीं आते तब तक और सेंचुरीज और हॉस्पिटल्स कुछ नहीं। मदर इनकी है ही नहीं, मतलब किसी ने ना प्लास्टिक के बैग में डाल के, 5 बच्चे थे टोटल, तो किसी ने नाले में इनको थ्रो कर दिया। 2 तो नीचे पानी में चले गए, तो वो तो फूल गए थे बेचारे इतने इतने, और ये 3 बचे थे। मेरा भी माइंड ऑफ में जा रहा था कहीं मेरे, इन्होंने मेरे को रेस्क्यू किया, मैंने इनको रेस्क्यू किया। इतने इन्फेक्शन वाले एरिया में इतनी छोटी बच्चे रखने के लिए, चलो इनको सीडी नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी सर। मतलब हम इनको सड़क से बेटर चांस दे सकते हैं, बट इस समय हमारी जो कंडीशन है हमें लेने नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो, बिकॉज हम इनको ठीक से नहीं रख सकते। डर लग रहा है हमेशा? नहीं लग रहा, जरा भी डर नहीं लग। अच्छा अच्छा सॉरी। इतना सुंदर कौन है? एक डर लग रही है मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर जो है लास्ट, ये बर्ड केज में रखना पड़ रहा है, जगह ही नहीं है। चलो 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 चलो, प्लीज़ प्लीज़ जो भी तकलीफ है आज ही दिखा देना, ताकि फिर अडॉप्शन हो जाए जल्दी से। तो सपोर्टिंग रहा है इनको, नहीं कर रहे, चिरकुट है, हिप्पो है, और देखो मात्र है, इनको सीढ़ी का प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए इनको दूर रखा हुआ है हमने आइसोलेशन में, ताकि और ऊपर ना फैले। इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको पता नहीं है कि बेटी जी हमारे फार्म पे आई कैसे थी, तो ये जानने के लिए ये वीडियो देखिए।